क्वेश्चन नंबर वन में है कि फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम द ट्री द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री इज 30। तो ये हमारे पास ट्री हो गया और इसके इसे 20 मीटर के डिस्टेंस पर जो पॉइंट है उसके लिए जो टॉप ऑफ द ट्री है एंगल ऑफ एलिवेशन हमको गिवन है 30 डिग्री और हमें हाइट ऑफ द ट्री जो है वो मालूम करनी है। तो इसको हम पॉइंट सी लेवल कर लेते हैं। तो लेट ए बी इज लेंथ ऑफ ट्री और उसको हमने जो है वो एच के साथ डिनोट किया हुआ है और बी सी इज डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट सी। तो हमारे पास टेंजेंट ऑफ 30 जो है वो होगा ए बी बाय बी सी यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस। अब परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो हमने एच से डिनोट किया हाइट ऑफ द ट्री और बी सी की वैल्यू 20 है। तो ये 20 यहाँ पर आकर टेन 30 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कैलकुलेटर से अगर ये वैल्यू कैलकुलेट करें तो एच की वैल्यू हमारे पास 11.54 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस बनती है जो कि हाइट ऑफ द ट्री हो गई। वेल गेस को 3rd डेसिमल प्लेस के हिसाब से राउंड ऑफ कर दें तो 11.55। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बस जो एंगल ऑफ एलिवेशन का जिक्र है तो नीचे से ऊपर की तरफ जो है वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है और क्वेश्चन में एंगल ऑफ डिप्रेशन का जिक्र होगा तो फिर ऊपर से नीचे की तरफ उस एंगल को बनाएंगे। उसमें फिगर की थोड़ी सी तब्दीली होती है, बाकी जो है मेथड तकरीबन एक सा ही है। ज़्यादातर सवालों में जो है वो टेंजेंट का फार्मूला ही इस्तेमाल होगा। क्वेश्चन नंबर टू में है हमारे पास के लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ 10 मीटर हाई पोल जो है पोल की लेंथ 10 मीटर है और इसके जो शेडो की लेंथ है यानी कि अगर यहाँ पे सूरज हो तो इसका जिस तरफ शेडो बन रहा है उसकी लेंथ हमारे पास 10√3 मीटर है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ ये जो एंगल बन रहा है इसकी हमने वैल्यू मालूम करनी है। इसको हम लेबल कर लेते हैं ए बी सी और इसमें बी सी लेंथ ऑफ पोल और ए सी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पोल तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर दैट इज बी सी अपॉन हाई पार्ट अपॉन बेस दैट इज ए सी। तो बी सी की जो हमारे पास वैल्यू है वो है 10 और ए सी की वैल्यू है 10√3। 10 10 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/√3 और 1/√3 जो है अब वो हमारे पास 30 के लिए थीटा की वैल्यू थी यानी कि टेंजेंट ऑफ 30 इज 1/√3। कैलकुलेटर पर जाए हम उसको निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री में है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के शेप में हमारे पास विंडो है और हर साइड की लेंथ जो 1.6 है। तो इसकी जो हाइट है वो हमको मालूम करनी है। अगर ये इसकी हाइट है तो इस ट्रायंगल को मैं ए बी सी लेबल कर लेता हूँ और इस पॉइंट को डी कह देता हूँ। तो अगर ए से लेके सी तक का डिस्टेंस 1.6 है तो ये ए डी जो है इसका हाफ हो गया 0.8 मीटर हो गया। और चूंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हर एंगल जो है वो हमारे पास 60 डिग्री का हो गया। और अब ये जो मेरे पास ट्रायंगल जिसको कि मैंने शेड किया एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती है और इसके हिसाब से मैं जो इसकी साइड बी डी है उसको मालूम अगर कर लूँ तो वो हाइट ऑफ ट्रायंगल हो जाएगी। तो फॉर ट्रायंगल ए बी डी टेंजेंट ऑफ 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज बी डी डिवाइडेड बाय ए डी
तो 1060 की वैल्यू बी डी हो गया जी एच, और ए डी जो है उसकी लेंथ हमारे पास 0.8 है, तो 0.8 इंटू टेंजेंट ऑफ 60 इज इक्वल टू एच, जिससे एच की वैल्यू आएगी 1.38 या 1.39 अगर हम अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस उसको राउंड ऑफ कर दें, जो कि हाइट ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल शेप विंडो है। क्वेश्चन नंबर 4 में है, हाइट ऑफ अ स्लाइड इज 5 मीटर, तो ये हमारे पास है वो स्लाइड है और इसकी जो हाइट है वो 5 मीटर है, और यहाँ पे जो बच्चा खड़ा है वो कहता है कि जी जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो अब एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए हम यहाँ पे जो एंगल बनाते हैं वही एंगल नीचे भी बनता है, तो सिर्फ फिगर में फ़र्क होता है, बाकी जो है उसकी वर्किंग ऑलमोस्ट सेम होती है। तो ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों अल्टरनेट एंगल्स बनते हैं। और अब हमको जो चाहिए वो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्लाइड, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है अगर वो हमें सपोज कर लें तो हमको मालूम करना है। तो इसको अगर मैं लेबल कर लूँ ए बी सी, तो हाइट ऑफ स्लाइड जो है वो हमने बी सी ली है और ये हमारे पास 5 मीटर है, और लेंथ ऑफ स्लाइड जिसको कि हम एक्स ले रहे हैं ये हमारा अननोन है, और ये हम ए बी से डिनोट कर रहे हैं। तो टेंजेंट ऑफ, टेंजेंट से तो खैर अब यहाँ पे काम नहीं चलेगा क्योंकि ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज में साइन का रिलेशनशिप होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू बी सी ओवर ए बी, तो साइन ऑफ 30 इज इक्वल टू बी सी की लेंथ 5 है और ए बी जो है वो हमने एक्स सपोज किया हुआ है, जो कि लेंथ हमको मालूम करनी है। एक्स साइन 30 की जगह हम भेज देते हैं और ये जो साइन 30 है ये एक्स की जगह आ गया, तो इसको सिंप्लीफाई करने से 5 अपॉन साइन ऑफ 30, तो ये हमारे पास आता है जी 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा गया है कि एक रोड जिसकी की लेंथ 120 मीटर है, तो यहाँ पे एक हमारे पास पॉइंट है और रोड के दोनों साइड पर हमारे पास सेम लेंथ के पिलर हैं, तो अगर ये 120 है तो हम इस डिस्टेंस को अगर इस डिस्टेंस को x ले लूँ तो ये 120 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि टोटल लेंथ जो है वो इस रोड की 120 मीटर है और दोनों साइड पर जो पिलर हैं उनकी हाइट जो है वो सेम है, तो ये भी y हो गया, ये भी y हो गया। अब इनको हम लेबल कर लेते हैं a b c d e, तो हमें मालूम करना है बी सी डिस्टेंस एंड सी डिस्टेंस, तो टू फाइंड बी सी एंड सी ई डिस्टेंस सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं फॉर ट्राइंगल ए बी और सी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और हमें यहाँ पे बनने वाला और यहाँ पे बनने वाला एंगल भी गिवन है। ये जो एंगल है ये हमारे पास 30 है और ये जो एंगल है ये हमारे पास 60 डिग्री है। एंगल में जो डिस्टेंस के हिसाब से दूर हो वो छोटा एंगल होता है और डिस्टेंस के हिसाब से जो करीब एंगल हो वो एंगल ज़्यादा होता है, तो इसके एलिवेशन देखें ज़्यादा है इसलिए 60 डिग्री, इसके एलिवेशन चूँकि कम है तो वो इसलिए जो है इसकी डिग्री कम है। तो अब जब हमने इसके अंदर एंगल्स जो है वो जो कि दिए गए हैं वो तय कर लिए, तो अब हमारे पास इस पॉइंट को जिसको हम सी से डिनोट कर रहे हैं, इसकी दोनों से डिस्टेंस यानी कि पॉइंट बी से डिस्टेंस और पॉइंट ई से डिस्टेंस हमने मालूम करना है,
तो ट्रायंगल एबीसी में टेंजेंट ऑफ 30 बनेगा परपेंडिकुलर जो कि वाई के बराबर है डिवाइड बाय बेस 120 माइनस एक्स। अब इसमें वाई भी अननोन है एक्स भी अननोन है तो हम इसमें कोई ख़ास वर्किंग नहीं कर सकते, इसको मैं इक्वेशन वन बना के यहाँ पे छोड़ता हूँ। अलबत्त जो दूसरी ट्राइंगल है फॉर ट्राइंगल डी सी और ई इसमें टेंजेंट ऑफ 60 जो है ये बनेगा परपेंडिकुलर बाय बेस दैट इज़ वाई बाय एक्स। तो मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि y की वैल्यू x इंटू टेंजेंट 60 करके ये जो हमने y की वैल्यू को मालूम किया ये y की वैल्यू में उठा के वन में पुट कर देता हूँ पुट इन वन ताकि एक ही हमारे पास इक्वेशन में अननोन रह जाए जिसकी हम फिर आसानी से वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो टेंजेंट ऑफ 30 इज़ इक्वल टू y की बजाय x टेंजेंट 60 डिवाइडेड बाय 120 माइनस एक्स। हमारे पास इस इक्वेशन में एक ही अननोन है x जिसकी वैल्यू मालूम कर सकते हैं, हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। टेन 30 को अगर मैं 120 से मल्टीप्लाई करूँ कैलकुलेटर के ज़रिए तो टेन 30 120 से मल्टीप्लाई करने से मेरे पास आ रहे जी 69.28। और टेंजेंट 30 की वैल्यू को मैं x के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो टेन 30 की जो भी वैल्यू आती है डेसिमल में वो वाली वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दूंगा 0.57 एक्स इज इक्वल टू और यहाँ पे टेंजेंट 60 की वैल्यू को मैं x के साथ मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ जो कि हमारे पास आती है 1.73 एक्स। अब हम ये कर सकते हैं कि इस में एक्स को सबसे ज़्यादा फार्मूला बनाने की खातिर मैं इस वैल्यू को दूसरी तरफ लेकर जाता हूँ तो 69.28 इज़ इक्वल टू 1.73 एक्स प्लस 0.57 एक्स और इन दोनों को अगर मैं आपस में ऐड करूँ तो मेरे पास बनता है 69.28 और यहाँ पे 2.30। हम ज़्यादा भी वैल्यूज़ ले सकते हैं अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस भी ले सकते हैं एक्यूरेट आंसर बनाने की खातिर, लेकिन बहरहाल अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस भी ठीक है। तो 2.30 यहाँ पे नीचे आ गया, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 69.28 अपॉन 2.30 तो इससे मेरे पास एक्स की वैल्यू आ गई 30.12। तो ये हमारे पास एक डिस्टेंस आ गया यानी कि इसका जो पॉइंट सी का ए से डिस्टेंस है और फॉर 120 माइनस एक्स ये बनेगा 120 माइनस 30.12 जो कि आता है 89.87। तो ये जो है उसी पॉइंट का दूसरे पिलर से जो डिस्टेंस है अप्रॉक्सीमेटली वो आ गया। अच्छा अब ये तो हो गई पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट सी फ्रॉम द बोथ द पिलर और अगर हमें मालूम करनी है हाइट ऑफ द पिलर तो हाइट ऑफ ईच पिलर उसका हमारे पास फार्मूला क्या है वाई इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट 60। तो एक्स की वैल्यू हमने निकाल लिया 30.12 मल्टीप्लाइड बाय टेंजेंट ऑफ 60 और इस वैल्यू को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आती है अप्रॉक्सीमेटली 52.16। तो हाइट ऑफ ईच पिलर ये जो दोनों हमारे पास रोड के दोनों साइडों पे पिलर लगे हुए हैं ए बी और डी ई इनमें से हर एक की लेंथ 52.16 मीटर की बना। तो बुक में बस ये जो डिस्टेंस है ये जो हाइट है पिलर्स की वो गिवन है, पोजीशन ऑफ पॉइंट्स जो है वो नहीं गिवन। बहरहाल नीलमी की मदद से हम लोगों ने चूँकि पिलर की हाइट निकाली और वो ठीक है तो लिहाजा ये दोनों आंसर भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है कि एक टावर है 120 मीटर जिसकी लेंथ है और इससे एक ही साइड पर दो बोर्ड्स हैं, एक को हम ए कह देते हैं एक को बी कह देते हैं और दोनों के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है और यहाँ पे जो एंगल बनता है
वही एंगल यहाँ पे नीचे भी बनेगा। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन में वर्किंग सेम होती है, सिर्फ फिगर में ये फ़र्क होता है कि टॉप पर भी हम एक लाइन बनाते हैं और उसमें एंगल लिखते हैं। तो जो 60 वाला एंगल है वो ये होगा और 45 वाला एंगल ये होगा। अब इसमें रूल यही है कि जो दूर वाला पॉइंट है उसका एंगल छोटा होगा और जो करीब वाला पॉइंट है उसका एंगल ज़्यादा होगा। तो फिगर में फिगर बनाते हुए इस बात का ख्याल रखना है। और ये सी डी जो है ये हाइट ऑफ द जो हमारे पास टावर है वो हो गया। और अब हमने ए बी यानी कि बोर्ड ए और बोर्ड बी के दरमियान जो डिस्टेंस है अगर हम इसको एक्स सपोज कर लें तो ये हमने मालूम करना है। और जो बी से डी तक का डिस्टेंस है अब वो हालांकि मालूम तो हमने नहीं करना लेकिन वर्किंग में हमें जो किसी ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको वाई से डी नोट कर देते हैं। अब हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बन रही हैं फॉर ट्राइंगल ए सी डी। हमारे पास बनेगा टेंजेंट ऑफ 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज़ परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास 120 है और बेस जो है वो इसमें एक्स प्लस वाई। चूँकि इन सवालों में हमारे पास वर्किंग ज़्यादा होती है इसलिए हम डायरेक्ट जो है वो फिगर को लेबल करने के बाद वर्किंग पे आ सकते हैं, यानी कि सी डी इज़ द हाइट ऑफ टावर और ए इज़ द फर्स्ट बोर्ड बी इज़ द सेकेंड बोर्ड। ये अगर हम एक सेंटेंस में लिख दें तो ठीक है और ना भी लिखें तो डायरेक्ट हम इसकी वर्किंग कर सकते हैं। तो अब हमारे पास टेंजेंट ऑफ 45 परपेंडिकुलर 120 बेस एक्स प्लस वाई और इसमें अब हम यूँ कर सकते हैं कि टेंजेंट 45 तो 1 के बराबर होता है लिहाजा 1 इज इक्वल टू 120 अपॉन एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 120। ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गई। सेकेंड इक्वेशन की खातिर हम ये कर सकते हैं कि ट्राइंगल कंसिडर करें अगर हम बी सी डी तो इसमें टेंजेंट 60 की वैल्यू हमारे पास आती है परपेंडिकुलर दैट इज़ 120 और बेस की वैल्यू हमारे पास वाई आ गई। तो ये परपेंडिकुलर है 120 बेस हमारे पास वाई है। यहाँ से अगर मैं वाई की वैल्यू निकालूँ तो ये मेरे पास बनता है 120 अपॉन टेंजेंट 60 और इस वैल्यू को मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये मेरे पास आता है जी 69.28। ये 69.28 अगर मैं यहाँ पे y की बजाय पुट करूँ तो x प्लस 69.28 इज इक्वल टू 120 जिससे कि x की वैल्यू मेरे पास आ गई 120 माइनस 69.28 और ये इससे कैलकुलेटर मुझे आंसर देता है 50.7। तो 50.7 मीटर जो है वो मेरा आंसर आ गया जो कि इन दोनों बोर्ड्स के बीच में डिस्टेंस बन रहा है। इसको जरा मैं प्रोमिनेंट करके लिख देता हूँ 50.7 मीटर जो है ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कहा गया है कि एक ट्री के अपोजिट साइड पर दो बंदे खड़े हैं और एक के लिए जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 है और दूसरे के लिए जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 है। तो मैंने आपको पिछले सवाल में भी बताया कि जब हमारे पास एंगल छोटा होगा तो दूर होगा और एंगल बड़ा होगा तो करीब होगा उसके एलिवेशन के हिसाब से। अब हमारे पास ये ए बी जो है ये लेंथ ऑफ द ट्री है और हमें यहाँ पे सी और डी पर जो दो बंदे खड़े हैं इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो इसमें ट्री की जो लेंथ है वो हमको गिवन है 15 मीटर। सी से बी तक का डिस्टेंस हम एक्स ले लेते हैं सपोज कर लेते हैं और बी से डी तक का जो डिस्टेंस है उसको वाई सपोज कर लेते हैं। तो अब एक्स और वाई की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं फॉर ट्राइंगल ए सी बी टेंजेंट ऑफ 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस दैट इज 15 बाय एक्स। यहाँ से एक्स की वैल्यू आती है 15 बाय टेंजेंट ऑफ 60 जिससे कि एक्स की वैल्यू आएगी इसको कैलकुलेटर से हम निकाल लेते हैं 8.66। और इसी तरीके से फॉर ट्राइंगल ए बी डी टेंजेंट ऑफ 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय
बेस दैट इज़ 15 अपॉन वाई, यहाँ से वाई की वैल्यू बनेगी 15 अपॉन टेंजेंट ऑफ 30, तो वाई की वैल्यू आई 25.98। तो आप डिस्टेंस बिटवीन पीपल जो कि सी और डी पर हैं वो एक्स प्लस वाई हो गया, तो एक्स प्लस वाई के लिए हम 8.66 और 25.98 को ऐड कर देते हैं, जो कि कैलकुलेटर से बनता है 34.64 मीटर। तो ये इस केस में हमारा आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि हमारे पास एक ट्री है और बाद आगे उसकी हाइट भी गिवन है, तो इस ट्री से जिसकी हाइट हमारे पास 12 मीटर है, इसके सामने एक बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के टॉप के लिए और बॉटम के लिए हमको एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन गिवन, तो एलिवेशन जो है 30 डिग्री, लिहाजा ये एंगल 30 डिग्री है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ये 40 डिग्री गिवन है। अगर ये 40 है तो यहाँ पे भी 45 है तो ये भी 45 हुआ, क्योंकि दोनों अल्टरनेट एंगल्स बनते हैं। अब अगर मैं इसको लेबल कर लूँ तो ए बी सी डी और ई। अब ये 12 मीटर है तो सी को भी 12 मीटर होना चाहिए, क्योंकि ए सी डी ई एक रेक्टेंगल बनती है। डी से ई तक के डिस्टेंस को अगर हम एक्स सपोज कर लें और बी से सी तक के डिस्टेंस को अगर हम वाई सपोज कर लें, तो हमारे पास फॉर ट्राइंगल ए बी सी टेंजेंट ऑफ 30 बनता है परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज ये एक्स है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी हमारे पास एक्स होगा, वाई अपॉन एक्स, और ये वाई की वैल्यू हमारे पास एक्स इंटू टेंजेंट 30 बन गई। लेकिन अब इसमें एक्स और वाई दोनों अननोन है, हम फिलहाल इस इक्वेशन से एक्स और वाई में से किसी की वैल्यू नहीं निकाल सकते। दूसरी ट्राइंगल को अगर हम कंसिडर करें, फॉर ट्राइंगल जो हमारे पास ए डी ई है, तो टेंजेंट ऑफ 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज 12 और अपॉन बेस दैट इज एक्स, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 12 अपॉन टेन 45 आ जाएगी, यानी कि टेन 45 एक्स की जगह और एक्स जो है वो टेन 45 की जगह, जिससे कि एक्स की वैल्यू आ गई 12 अपॉन 1, क्योंकि टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 12 मीटर आ गई। तो ये एक जो हमारे पास अननोन था, यानी कि ट्री का बिल्डिंग से जो डिस्टेंस है वो हमने फाइंड कर लिया। अब ये वाली वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर दें, इसको अगर हम इक्वेशन 1 कर दें तो पुट इन 1, तो ये बनेगा एक्स की बजाय 12 टेंजेंट ऑफ 30 इज इक्वल टू वाई, तो कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू आती 6.92, तो वाई इज इक्वल टू 6.92 मीटर। तो ये हमारा जो दूसरा अननोन है वो आ गया। लेकिन अब हमें चूँकि हाइट ऑफ द बिल्डिंग मालूम कर रही है, तो हाइट ऑफ बिल्डिंग वो 12 प्लस वाई के बराबर है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास 12 है और y जो है वो भी हमने मालूम किया, तो 12 प्लस 6.9, और इसको अगर मैं ऐड करता हूँ 92, तो ये बनेगा 18.92 मीटर। तो बिल्डिंग की हाइट हमारे पास 18.92 हो गई। तो हमारे जो दो अननोन्स हैं वो ये वाले हो गए जो कि क्वेश्चन में रिक्वायर्ड थे। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि हमारे पास जो है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर द टॉप ऑफ अ टावर इज अल्फा,
तो ये हमारे पास जो है टावर हो गया, और इससे 200 यूनिट के डिस्टेंस पर हमारे पास जो पॉइंट ए है उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन वो गिवन है वो है अल्फा, और दूसरा जो पॉइंट बी है वो है कि 80 मीटर नियर, तो अगर वो 80 मीटर नियर है और उसके लिए जो एंगल ऑफ एलिवेशन हमको गिवन है वो बीटा गिवन है, तो जो अगर ये 80 मीटर है तो बाकी ये हमारे पास 120 मीटर रह गया, क्योंकि जो टोटल डिस्टेंस है वो हमारे पास 200 मीटर है। अब हमको जो मज़ीद इंफॉर्मेशन गिवन है वो ये है कि टेंट अल्फ़ा 2/5 के बराबर है, तो हमको जो है वो बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हाइट ऑफ टावर अगर मैं एक्स सपोज कर लूँ तो ये तो हमको गिवन है फ्रॉम फिगर, जो हमारे पास टेंट अल्फ़ा की वैल्यू बनती है वो बनती है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जो है वो इस सूरत में एक्स, और बेस जो है वो हमारे पास इस ये जो पूरी लेंथ है 200 मीटर इसको हम लगा देते हैं। अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करें तो कंपेयर करने की सूरत में देयरफॉर 2/5 ये जो हमारे पास टेंट अल्फ़ा की वैल्यू है जो कि हमको गिवन है और जो फिगर्स हमारे पास वैल्यू बन रही है उन दोनों को हमें इक्वल लेना होगा क्योंकि दोनों टेंट ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू हैं, तो इस वैल्यू को अगर मैं इस वैल्यू के इक्वल ले लूँ तो 2/5 इज इक्वल टू एक्स अपान 200, यहाँ से अब मैं एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ, 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 200 इज इक्वल टू एक्स, तो 5 4 20, और अब हमारे पास एक ज़ीरो जो है वो हमने साथ लगा दिया, 2 × 40 इज 80, लिहाजा एक्स की वैल्यू हमारे पास 80 मीटर आ गई। तो जो हाइट ऑफ द टावर हमारे पास टावर है वो उसकी हाइट 80 मीटर हो गई। अब जो दूसरी चीज़ हमने मालूम करनी है वो है बीटा की वैल्यू, तो इसको अगर मैं लेबल अच्छा ए बी और इसको हम सी डी कर देते हैं, तो फॉर ट्राइंगल बी सी डी टेंजेंट ऑफ बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास एक्स, लेकिन एक्स की वैल्यू मालूम कर चुके हैं दैट इज 80, और बेस जो है इसका 120 है, तो यहाँ से मेरे पास टेंजेंट बीटा की वैल्यू बनती है 80/120 इज इक्वल टू 40 × 2 इज 80, 40 × 3 इज 120, तो 2/3, तो बीटा की वैल्यू हुई टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2/3। इसको मैं कैलकुलेटर से फाइंड कर लेता हूँ, तो टेन इनवर्स ऑफ 2/3 जो है हमारे पास 33.6, लिहाजा बीटा की वैल्यू हमारे पास 33.69 डिग्री बनती है। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि हमारे पास एक बोट है जो कि एक लाइट हाउस, जिसकी हमारे पास हाइट है 206.6 और इससे दूर की तरफ जा रही है, तो 120 सेकंड में इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 से 45 डिग्री हो जाता है। तो हमने मालूम करना है कि जब ए से बी पे बी तक वो पहुंचती है तो उसने उसकी जो स्पीड है वो क्या है, तो यहाँ पे मैं ये जो 120 है ये यहाँ पे सेकंड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि डिस्टेंस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो हमने ये डिस्टेंस जो है वो मालूम करना है। अगर ये डिस्टेंस हमें मालूम हो जाए तो हम डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम के फार्मूला से स्पीड जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो इस डिस्टेंस को हम एक्स ले लेते हैं और इस डिस्टेंस को मैं वाई ले लेता हूँ, और इसको अगर फिगर को मैं लेवल कर लूँ बी ए सी डी, तो फॉर ट्राइंगल अगर हम बड़ी ट्राइंगल ले लें ट्राइंगल बी सी डी, तो इसमें टेंजेंट 45 की वैल्यू आएगी परपेंडिकुलर दैट इज 206.6
डिवाइड बाय बेस, बेस जो है वो इस बड़े ट्राइंगल का एक्स और वाई को मिला के बन रहा है। 1045 की वैल्यू 1 होती है, तो 206.6 अपॉन एक्स प्लस वाई, और एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 206.6। और जो हमारे पास दूसरी ट्राइंगल है, फॉर ट्राइंगल ए सी डी, टेंजेंट ऑफ 60, इसका परपेंडिकुलर 206.6, और इसका जो बेस है वो हमारे पास y है, तो यहाँ से y की वैल्यू बनेगी 206.6 डिवाइड बाय टेंजेंट ऑफ 60। इस y की वैल्यू को मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करता हूँ, इससे y की वैल्यू हमारे पास आ गई 119.28। ये जो y की वैल्यू हमारे पास आई है वो मैं उठा के यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो पुट इन 1, तो यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास बनी 119.28 इक्वल्स टू 206.6, तो एक्स की वैल्यू 206.6 माइनस 119.28, जिससे हमारा जो डिस्टेंस एक्स है वो आता है कैलकुलेटर के ज़रिए से, इससे हमारे पास एक्स की वैल्यू आती है 87.31 मीटर। और अब हमारे पास जब ये डिस्टेंस एक्स आ गया तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो डिस्टेंस जो है वो हमने निकाला है 87.31, और जो टाइम है वो 120 सेकेंड है, लिहाजा स्पीड हमारे पास हो जानी चाहिए ये कैलकुलेटर के ज़रिए से तकरीबन 0.73 मीटर पर सेकंड बनती है।